ये दो औरतों का चेहरा आप देख रहे हैं, साथ में तीसरी भी थी, उसका मैं फोटो नहीं ले सकी। ये ऐसे लोग हैं जो आपके जान को, माल को साथ में नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसकी न्यूज मैं आगे दे रही हूं, पहले आप ये वीडियो क्लिप सुनिए। देख के लोकेशन देख के आदमियों को देखो, उधर से झटकता है, चैन छीनी है, चैन इनका, इनका चैन छीना गया। एक बुलाइए, नाम क्या है मैम, क्या हुआ है? अरे वो हम लोग आ रहे थे ऑटो पे, तीन चार औरतें आ गई थी साथ में, तो हुआ क्या कि मतलब मुझे एक बार ऐसे मेरे साथ गोरखपुर में भी हो चुका है, तो लगातार वो लोग खड़ी है, जा नहीं रही है, तो मैं बोली उतरो, उतरो, नहीं उतर रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग पक्का चेन चोरी करी। मैं अपना चेक की, मेरा सही था, मेरी बहन भी थी साथ में, मैंने उससे कहा कि तुम चेक करो, तो उसने देखा तो उसका चेन गायब था। उसके बाद मैं कह रही हूँ फौरन मैंने एक को रोका, बाकी सब भाग गई, एक को तो मैंने पकड़ लिया, सबको शोर किया, बुलाया, हाँ बाकी एक को तो मैंने पकड़ा ही था, मैंने कहा जा, फिर ये चीज मेरा पूरा काट वाट दिया था, और बहन का भी, हाँ फ्लैट मार दिया, ये पूरा देखिए, हाँ ये बहन का भी लगा हुआ है, ये बहन का भी, ये सब चीजें। चैन मिला कि नहीं आपको? चैन मिल गया, चैन मिला, चैन तो है जो उसमें नॉर्मल लेडी ओली है, तीनों की तो, अरे मैं एक बार वल्ला, चैन इनका मिल गया है और उसने फ्लैट मार दिया है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि जहाँ सरकार हर तरह से सुरक्षा की बात करती है, वहीं पे एक सिटी है, संत कबीर नगर जिला है, जस्ट बाजू में कोतवाली है, और वहीं पे एक ऐसी घटना होती है कि चैन दिन दहाड़े छीन लिया जाता है और ब्लेड मार दिया जाता है। देखना यह है कि पुलिस ने पकड़ कर पुलिस को सौंपा। आपको बता दें मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के खलीलाबाद शहर का है, जहां एक युवती की चैन चुराकर भाग रही तीन महिलाओं को राहगीरों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा है। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी सर्वेद राय ने बताया कि पीड़िता फरहीन खान पुत्री जावेद खान मोती नगर मोहल्ले की रहने वाली है। वो देर शाम गोला बाजार से अपने घर की तरफ ई रिक्शा से जा रही थी, तभी रास्ते में तीन महिलाओं ने उसके गले से चैन चुरा लिया। शक होने पर युवती ने शोर मचाया तो तीनों महिलाएं भागने लगी, तो राहगीरों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। वहीं तलाशी के दौरान चैन मिल गई युवती ने। कोतवाली पुलिस को आरोपी महिलाओं के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी महिलाओं को जेल भेज दिया है। आप यकीन नहीं करेंगे पर यह घटना मेरे ही साथ हुई है, फरहीन खान के साथ। मैं कुछ न्यूज़ के आर्टिकल भी साथ में अभी शेयर करती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, दैनिक जागरण में, हिंदुस्तान में और अमर उजाला में भी आया हुआ था। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो भी गर्ल्स हैं, जो भी वीमेन हैं, वो लोग ज़रूर से ज़रूर अगर चेन पहनती हैं, बाहर जाती हैं, तो चेन स्नेचर कब किस रूप में, किस हालत में आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका चेन कब चोरी कर लेंगे वो भी आपको एहसास भी नहीं वो होने देंगी। मैंने तो खैर इन तीनों को पकड़ के फिर थाने में कर दिया था, तीन महीने की उन्हें सज़ा भी हो गई है, लेकिन आप लोग अवेयर रहिए, हाथ में भी चोट लगा देती है, मेरा पूरा हाथ की उंगली इन्होंने काट दी थी, काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा, मारपीट भी हुई, मैंने काफ़ी उन लोगों को मारा भी था और जेल भी पहुंचा दिया। तो आप लोग बस यही कहना चाहूंगी कि सतर्क रहिए, बहुत ज़रूरी, अगर आप चेन पहन के निकलते हो तो बहुत ध्यान दो। पहली बात तो गोल्ड पहन के ही नहीं बाहर निकलो, लेकिन अभी कोई फंक्शन हो गया बाय द वे तो आप पहन के निकल रहे हो, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। अगर आप ऑटो से जा रहे हो, शेयरिंग ऑटो है, शेयरिंग रिक्शा है, तो आप बहुत इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कब क्या हो सकता है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं, कितनी बड़ी बात हो सकती है। मैं साथ में कुछ न्यूज़ के आर्टिकल भी शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसे, ये देख सकते हैं आप, इसमें मेरा नाम फरहीन खान लिखा हुआ है। ये एक और न्यूज़ है, इसमें भी मेरा नाम आप मेंशन देख सकते हो। बस यही आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ये बताना था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही बुरा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अवेयरनेस ज़रूरी होती है। मैं तो अवेयर थी, तो मेरा चेन भी बच गया और हाथ तो मेरा कट गया था, उंगली मेरी कट गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा हाथ उन्होंने पूरी तरह से घायल कर दिया था, इसकी मेडिकल भी हुई थी, और मतलब कि हाथ में ब्लेड पहने रहती हैं कि क्या की रहती हैं, ब्लेड से मेरे हाथों को मार दिया था, पूरी तरह से ज़ख्मी हो गया था। उसके बाद भी मैंने उन्हें पकड़ा हुआ था और फिर मेरे भाई वक्त पे आ गए थे तो मैं बच गई, शायद वक्त पे नहीं आते तो बहुत कुछ हो सकता था। बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत ख्याल रखिए, ऐसी औरतों से बच के रहिए, और कभी भी बाहर पब्लिक में जा रहे हो तो बिल्कुल भी गोल्ड मत पहनिएगा, बहुत नुकसान हो सकता है, फिर बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा, जाते जाते मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी आपके साथ, तो होता क्या है कि ये लोग अपने साथ ना एक प्रेग्नेंट लेडी को लिए रहते हैं और साथ में एक लड़की को लिए रहते हैं, ताकि कोई भी केस अगर इन केस बनता भी है तो ये लोग उस पर अपना एक व्यू रख सकती हैं, ओपिनियन रख सकती है कि हमारी बेटी है, हमारी गर्भवती बहू है,
तो इससे ये लोगों का एक विक्टिम कार्ड ये लोग प्ले करती हैं, तो इससे इन लोग का काफी फायदा भी हो जाता है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, और कभी भी रिक्शे में बैठे ना तो ये ध्यान दीजिए कि अगर आपके पैरों को वो मसल रही होती है, पैरों से ही अपने रगड़ेंगी, आपके माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट करेंगी, बातों में फंसाएंगी और धीरे से इस तरह से आपके चैन को तोड़ लेंगी ना कि आपको पता भी नहीं चल पाएगा। और तोड़ के वो खींचती नहीं है, खींचेंगी नहीं कि फर्श पे गिर जाए, नीचे ऐसे गिरा देंगी बाद में ताकि उठा लें, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका चैन भी गायब हो जाएगा। तो बस यही है, बहुत अवेयर रहिएगा, बहुत ज़रूरी बात है ये, हर औरत को ये सुननी चाहिए। मैंने अपना पूरा इसीलिए शेयर कर दिया है, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।